टॉपिक है जिसके ऊपर हम सभी एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं, वो है बुद्धिज्म। और आशा करता हूँ कि आप सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे और आसानी से इस चीज़ को समझ पाएंगे। बुद्धिज्म जो फिलॉसफी है वो अपने आप में बहुत यूनिक फिलॉसफी है, और बुद्धिज्म की फिलॉसफी जो है वो किसी भी तरीके से हमारे किसी भी रिलीजियस पर बेस्ड नहीं है, या हम कहें वो ये नहीं मानते कि हम आइडियलिस्टिक फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। उनके अकॉर्डिंग आइडियलिज्म जो फिलॉसफी है वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। तो इसलिए जो बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है वो इंडिविजुअल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा जो अपना खुद का कर्म है, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी जो हम एक्ट्स करते हैं या जो भी चीज़ें हैं, हम स्पेशली उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करें और उसी के बेसिस पर हम अपनी डेवलपमेंट को आगे लेकर के चल सकते हैं। तो बेसिकली जो इनके अकॉर्डिंग बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग जो इन्होंने प्रीचिंग्स दी हैं या इनके इनके अकॉर्डिंग जो भी फिलोसॉफिकल बातें कही गई हैं वो अपने आप में इंडिविजुअल सेंट्रिक है, और कहते हैं कि हमारा जितना भी कर्म है, जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी एक्शंस करते हैं, उन्हीं सब के कारण ही हमारा अगला जन्म भी निर्धारित होता है, और हमें इस जन्म के अंदर क्या करना है, क्या बनना है, वो सब चीज़ें निर्धारित होती हैं। हम अपने कर्म के आधार पर अपने भाग्य को खुद निर्मित करते हैं, ऐसा मानना है बुद्धिस्टिक फिलॉसफी का। तो इसलिए हम जब बुद्धिज्म फिलॉसफी को पढ़ते हैं तो उस फिलॉसफी के अंदर हम स्पेशली अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, आइडियलिस्टिक फिलॉसफी को कम मानते हैं। हम कहें तो हम एग्जिस्टेंशियलिस्टिक फिलॉसफी को ज़्यादा मान करके चल सकते हैं। तो बेसिकली जो आपकी बुद्धिज्म फिलॉसफी है उसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग मैं आपको बताना चाहूँगा पहले। जैसे कि आप सभी को पता है, लॉर्ड बुद्धा के बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो लॉर्ड बुद्धा जो है वो इस बुद्धिज्म फिलॉसफी के फाउंडर कहलाते हैं, और इनका जो जन्म है वो एक काफ़ी रॉयल फैमिली में हुआ था, और इनका जन्म जो है वो लगभग 563 BC में हुआ था, और आपका नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर एक गांव पड़ता है लुम्बिनी, तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनकी फैमिली काफ़ी रॉयल थी, इनके जो पिताजी थे वो एक किंग थे, इनकी मदर जो थी वो एक क्वीन थी, और इनका भी जो भाग्य जो बताया गया था वो काफ़ी अच्छा था। इनको ये बताया गया था कि अगर ये यही महल में रहते हैं तो एक बहुत अच्छे शासक बनेंगे, और अगर महल से बाहर रहते हैं तो ये एक स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे, और पूरे विश्व को इनकी शिक्षा मिलेगी, और पूरे विश्व को जो इनकी शिक्षा मिलेगी उससे सभी लोग बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो ऐसा इनका मानना था। और जो ये फिलॉसफी इन्होंने जो दी है, ये फिलॉसफी अपने आप में काफ़ी यूनिक फिलॉसफी है, और बहुत बड़ी बड़ी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। तो हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और ब्रीफिंग इनके देख लेते हैं। जैसे ही जब इनका जन्म हुआ, जन्म के काफ़ी समय तक इनको घर में ही रहना पड़ा, काफ़ी समय तक ये घर में ही रहे, लेकिन इनका जो एक मन था वो उस जगह पर नहीं रुकना चाहता था, नहीं मानता था कि मैं वहाँ पर रहूँ। ये चाहते थे कि जो ये संसार है, इस संसार के अंदर जितने भी दुख हैं, इन दुखों का जो भी कारण है, उनके पीछे क्या कहानी है, उसका कैसे निपटारा किया जा सकता है, कैसे उनसे हम रिलेटेड चीज़ें जो हैं उनको दूर कर सकते हैं और इन सब चक्र से बाहर निकल सकते हैं। तो उनका जो मेन फोकस था वो यही था कि जो भी वर्ल्ड मिजरीज हैं, यानी कि जितने भी जो सांसारिक दुख हैं, जो भी संसार के अंदर इस तरह के दुख सम्मिलित हैं, उन सबको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इनको दूर करने के लिए उन्होंने जब वो 29 ईयर्स के आसपास थे तब उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था, और वो एक इस उनके मन में जो प्रश्न उठते थे, उन प्रश्नों के उत्तर के लिए वो इधर उधर अब जाने के लिए तैयार हो गए थे। तो उनका जो मेन पार्ट था वो यही था कि वो बेसिकली वो ये सोचते थे कि हमें ये सब अगर उत्तर मिल जाते हैं तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका निपटारा कर सकते हैं, और जो भी सांसारिक दुख जितने भी हैं उन सब से हम बाहर निकल सकते हैं। तो ही ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस विच वर रिलेटेड टू बेसिकली द मिजरीज, एंड देर वॉज मिस्ट्री बिटवीन बर्थ एंड डेथ साइकिल। तो ये इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहते थे, और इनके लिए इन्होंने इस संसार के अंदर अपने आप को इस संसार से, जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड था, ही ट्राइड टू सेपरेट हिमसेल्फ
फ्रॉम दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड फॉर अ टाइम बींग सो दैट ही कैन गेट द आंसर्स फ्रॉम आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस लाइक दैट हाउ वी कैन गेट द साल्वेशन और वट इज द मिस्ट्री इन बिटवीन डेथ एंड बर्थ साइकिल एंड देर वॉज वन मोर थिंग दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दीज मिजरीज. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, ऐसे प्रश्न थे जो इनके माइंड में थे और इनके प्रश्न के लिए ही उन्होंने एनलाइनमेंट लेने के लिए अपने घर को त्यागा. और लगभग उन्होंने काफ़ी समय इधर उधर उन्होंने इनके उत्तर ढूंढने में गुजारा भी, लेकिन उन्होंने फिर एक समय एक पेड़ के नीचे गया में, बिहार में एक जगह है गया, वहाँ एक वृक्ष के नीचे जो कि पीपल का वृक्ष था उसके नीचे बैठ करके इन्होंने कॉन्टिन्यूसली फॉर 49 डेज इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया, मेडिटेशन किया. एंड आफ्टर दैट 49 डेज ही गॉट द एनलाइटमेंट जिसे हम बोधि का भी नाम देते हैं. तो उसकी वजह से इनको इन सभी चीज़ों के आंसर्स मिले. और इन्होंने जो अपनी फर्स्ट जो इनकी प्रीचिंग थी वो उन्होंने सबसे पहले वहीं से देने के बारे में सोचा कि जो सारनाथ, तो वहाँ से इन्होंने अपनी प्रीचिंग को सबसे पहले स्टार्ट किया. और जो उन्होंने वहाँ सबसे पहले प्रीचिंग दी थी उसका जो टाइटल था दैट वाज धर्म चक्र परिवर्तन, कि जो ये धर्म चक्र परिवर्तन है ये क्या है. धर्म चक्र परिवर्तन और कुछ नहीं, धर्म चक्र परिवर्तन इज लाइक कि आप क्या कर्म करते हो, किस तरह की आपके एक्शंस हैं, क्या आप सोचते हो, उसकी वजह से आपकी कैसे डेथ होती है, कैसे रीबर्थ होता है. तो ही ट्राइड टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस, ही गॉट द आंसर ऑफ दिस एंड उन्होंने सबसे पहले इस चीज की टीचिंग भी दी. तो उसके बाद जो बेसिक इस फिलोसफी के अंदर जो चीजें हैं वो है फोर नोबल ट्रूथ्स. द होल फिलोसफी इज मेनली फोकस्ड ऑन द फोर नोबल ट्रूथ्स. एंड व्हाट आर दीज फोर नोबल ट्रूथ्स, वो चार ऐसे अहम सत्य क्या हैं. पहला जो आपका है वो यही है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, कि जो आपका ये संसार है ये पूर्णतः दुखों से भरा हुआ है. ऐसा नहीं खुशियों से भरा हुआ है, तो खुशियों से भी भरा हुआ है और साथ ही साथ दुखों से भी भरा हुआ है. तो उसके अंदर किस तरीके से आप इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हो, कैसे ये सब दुख आते हैं, क्या कारण है इन सब चीज़ों का, तो उसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की. तो उसके जो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज द फर्स्ट नोबल ट्रूथ दैट इज दिस वर्ल्ड इज द फुल ऑफ मिजरीज. द सेकेंड ट्रूथ वेर ही वॉज डिस्कसिंग अबाउट दैट देर इज सम कॉज फॉर ह्यूमन मिजरीज, ही सेड दैट ऑल द ह्यूमन मिजरीज दे हैव सम काइंड ऑफ कॉज, किसी ना किसी कारण की वजह से ही ये सब मिजरीज आती हैं, ये सब जितने भी दुख हैं वो सब किसी ना किसी कारण की वजह से आते हैं. तो वो कारण क्या है, उन कारणों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन द थर्ड नोबल ट्रूथ वॉज दैट इट इज पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ द वर्ल्डली मिजरीज. उन्होंने कहा था कि जो भी ये मिजरीज हैं, जितने भी आपके ये सब दुख हैं, इन सब से हम कहीं ना कहीं छुटकारा पा सकते हैं. और इनको छुटकारा पाने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ माध्यम हैं जिनसे कि हम इनको अपने से दूर कर सकते हैं. एंड देयर वाज फोर्थ ट्रूथ दैट वाज दैट देयर आर द वेज टू बी फ्री ऑफ ऑल दीज मिजरीज, कि ये जितने भी मिजरीज हैं इनके लिए कुछ वेज हैं, कुछ तरीके हैं, और हम उन तरीकों को अपना करके इन सब मिजरीज से अपना छुटकारा पा सकते हैं. जो फर्स्ट नोबल ट्रूथ है दैट इज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो थ्योरी ऑफ क्षणिकवाद के साथ भी कंसिडर किया जाता है. थ्योरी ऑफ क्षणिकवाद क्या है उसके बारे में हल्की सी ब्रीफिंग मैं आपको दूंगा. जो थ्योरी ऑफ क्षणिकवाद है उसके अंदर यही कहा जाता है, नाम से ही पता चल रहा है, क्षण भर के लिए क्षणिकवाद. ठीक है, कोई भी चीजें जो कुछ समय के लिए रहती हैं फॉर अ टाइम बीइंग दैट इज क्षणिक. तो उनके अकॉर्डिंग ये मानना था कि अगर मिजरीज हमारे पास हैं भी, दुख हैं भी, तो कोई बात नहीं, वो थोड़े समय के लिए ही रहते हैं, बहुत लंबे समय के लिए नहीं रहते हैं. तो इसलिए अगर हम उनको ये मान लें कि ये अगर हमारे पास दुख अभी आ गए हैं तो कुछ समय के बाद ये चले भी जाएंगे, बट द ह्यूमन नेचर, इफ वी आर सराउंडेड बाय द मिजरीज, इफ वी आर सराउंडेड बाय द सोरोज, देन वी जनरली कंसिडर दैट दीज आर द परमानेंट इन आर लाइफ, और काफी लंबे समय तक ये चलने वाले हैं ऐसा हम सोचते हैं. बट दिस इज नॉट ट्रू. एज पर थियरी ऑफ क्षणिकवाद वी कैन थिंक ओनली दैट दीज आर फॉर अ टाइम बीइंग. एक और स्टेटमेंट इसके बारे में कहते हैं ये कि
कहते हैं द नेचर और वट एवर वी हैव इन द एनवायरमेंट और वट एवर वी हैव इन आर सराउंडिंग इज एवर चेंजिंग, इट इज नॉट परमानेंट. ये परमानेंट नहीं है, ये परिवर्तित होता रहता है. तो थ्योरी ऑफ क्षणिकपात सिर्फ यही दो बातें हमारे सामने कहती हैं कि कोई भी जो चीज़ है वो आपके पास स्थायी नहीं होती है, फॉर अ टाइम बीइंग ही वो चीज़ रहती है और उसके बाद ऑटोमेटिकली वो चीज़ कन्वर्ट हो जाती है दूसरी चीज़ों में. बट ड्यू टू इग्नोरेंस, दिस इज द मेजर कॉज ऑफ मिजरीज इन आर लाइफ, कि हमारे पास जो एक इग्नोरेंस है कि हम हर चीज़ को इग्नोर करके चलते हैं और उसी इग्नोरेंस की वजह से ही हमारे साथ ये घटनाएं घटती हैं और हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों के अंदर इतना फंसते चले जाते हैं कि हमारे लिए बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो थ्योरी ऑफ क्षणिकवाद के अंदर ये आपको एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में भी बताते हैं. कहते हैं कि हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, देयर इज अ कॉज एंड देयर इज अ इफेक्ट, देयर इज एन इफेक्ट फॉर दैट एज वेल, कि हर एक कारण के पीछे कुछ ना कुछ कॉज जरूर होता है. जो सेकेंड है आपके पास नोबल ट्रूथ, जिसके बारे में आपको बताया गया था कि देयर इज सम कॉज फॉर द ह्यूमन मिजरीज, कि जो भी आपकी ह्यूमन मिजरीज हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ कॉज हैं. वो कॉज क्या है उसके लिए जो इस सेकेंड नोबल ट्रूथ के ऊपर मेन फोकस करती है थ्योरी, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रत्युत्तर समुत्पाद. जो प्रत्युत्तर समुत्पाद है इसको हम बेसिकली डेथ एंड बर्थ साइकिल से भी कंसिडर करते हैं. तो यहाँ हमारे पास कुछ 12 ऐसे स्टेप्स बताए गए हैं, कुछ 12 ऐसे आपको डिफरेंट पार्ट्स बताए गए हैं कि हम उन्हीं के बीच में उलझे रह जाते हैं. और ये जो प्रत्युत्तर समुत्पाद है इसके कारण ही हम हमेशा निर्वाण को प्राप्त नहीं कर पाते हैं. लेकिन अगर हम इस साइकिल को समझ जाएं तो हम कहीं ना कहीं सॉल्वेशन, निर्वाण जिसे कहा जाता है, उसे भी प्राप्त कर सकते हैं इफ वी गेट आउट ऑफ इट, अगर हम इससे बाहर निकल जाएं तो. तो ये भी क्या है, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल कि प्रत्युत्तर समुत्पाद बेसिकली है क्या. और इन सबके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो हमारे पास सिर्फ यही है कि हम इग्नोरेंस को फॉलो करते हैं और इग्नोरेंस को अगर हम अपने से दूर कर दें देन वी कैन रिमूव ऑल काइंड ऑफ मिजरीज, वी कैन अटेन द सॉल्वेशन एज वेल. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट हाउ वी कैन अटेन दिस थिंग, फॉर दैट वी शुड नो द थ्योरी ऑफ क्षणिकवाद, वी शुड नो द थ्योरी ऑफ प्रत्युत्तर समुत्पाद एंड द लास्ट वन, जो लास्ट के आपके जो दो नोबल कॉजेस नोबल ट्रूथ्स इन्होंने बताए हैं उनके लिए हम एक अष्टांग मार्ग को फॉलो करते हैं. वी हैव एन एट फोल्ड पाथ, कि हमारे पास एक एट फोल्ड पाथ है, हम उसे फॉलो करते हैं और उसे फॉलो करने के बाद हम इन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं, ऐसा बुद्धिस्टिक फिलोसफी के अंदर कहा गया है. जो आपकी ये थेरी है आपको बताया था, पहली थेरी थेरी ऑफ क्षणिकवाद और दूसरी है थेरी ऑफ प्रत्युत्तर समुत्पाद. ठीक है, तो ये है आपका संस्कृत में ही वर्ड है ये, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताया जाएगा. प्रत्युत्तर समुत्पाद को आप सिंपली बर्थ डेथ साइकिल भी कह सकते हो, ये एक सिंपल टर्म है जिसे समझना आप लोगों के लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा. इस विश्व के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमानेंट हो, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज चेंजेबल, हर एक चीज परिवर्तनशील है. तो इनके अनुसार ये खुद कहते हैं परिवर्तनशील है जो कि परिवर्तित होती रहती है, और ज्यादातर जो परिवर्तन है वो आपके कर्मों पर ही आधारित है, आपके एक्शंस पर ही आधारित है. तो जो ये एक्शंस है इन एक्शंस को आपको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, उन सब के बारे में ही इन्होंने इस थ्योरी के अंदर बताया हुआ है. देन ओनली वी कैन रिमूव द इग्नोरेंस फ्रॉम अस एंड वी कैन अटेन द सल्वेशन, और हम सल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं. तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं हम इनके बारे में थोड़ी सी एक ब्रीफिंग करना चाहेंगे कि जो ये डिफरेंट थियरीज हैं इन थियरीज के अंदर इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं. बट जैसा कि आप लोगों का ये जो ग्रुप बना हुआ है इसके अंदर आप नेट से रिलेटेड चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो आपके पास कुछ ऐसी टर्म्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे या कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको हम डिस्कस करना जरूर चाहेंगे ताकि आप लोगों के नेट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी कवर अप हो सके. तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ बुद्धिज्म, कि जो बुद्धिज्म है उसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, फिर उसके बाद उसकी मेटाफिजिक्स क्या है, देन वी हैव द एक्सियोलॉजी ऑफ द बुद्धिज्म. कि ये जो तीन टर्म्स हैं ये बहुत ज्यादा नेट में भी कई बार पूछी जाती हैं कि एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स, कि ये सब चीजें हैं क्या. तो अगर हम इन चीजों की बात करें तो एपिस्टेमोलॉजी जो है, एपिस्टेमोलॉजी को हम हिंदी में ज्ञान मीमांसा भी कहते हैं,
और ज्ञान मीमांसा का जो डायरेक्ट इसमें लिंक है दैट एपिस्टेमोलॉजी बेसिकली डील्स विद द नॉलेज, ठीक है, ये हमारे ज्ञान के साथ संबंधित होती है। तो नॉलेज ऑफ व्हाट, किस चीज का हमें ज्ञान होना चाहिए? तो सिंपल सी चीज है, वी शुड नो द नोबल फोर नोबल ट्रुथ्स, कि हमें ज्ञान होना चाहिए उन चार सत्य का जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं। वी शुड नो द डेथ एंड बर्थ साइकिल, दैट इज नोन एज थियरी ऑफ प्रतीत समुत्पद, हमें इनके बारे में भी पता होना चाहिए। वी शुड ऑल्सो नो दैट हाउ वी कैन अटेन द साल्वेशन, कि किस प्रकार से हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, हमें इस चीज के बारे में भी पता होना चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि इग्नोरेंस टर्म है क्या, ठीक है। तो अगर हम एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं, तो एपिस्टेमोलॉजी मीन्स दैट व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज वी शुड हैव, तो वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ दीज थ्री फोर बेसिक थिंग्स, द फोर नोबल ट्रूथ्स, हाउ वी कैन अटेन द सेल्वेशन, थियरी ऑफ प्रतीत समुत्पद एंड इग्नोरेंस, राइट। तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर हमारे पास इन सब का ज्ञान है, तो इसका मतलब ये है कि हम आगे अपने एक्शंस को बहुत इफेक्टिवली और सही डायरेक्शन में कर सकते हैं। इफ यू विल डिस्कस अबाउट द मेटाफिजिक्स ऑफ बुद्धिज्म, मेटाफिजिक्स मीन्स द तत्व मीमांसा, और तत्व मीमांसा डील्स विद द रियलिटी। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि रियलिटी इज एवर चेंजिंग एज पर बुद्धिस्टिक फिलोसफी, इट इज नॉट परमानेंट, कि जो आपकी रियलिटी है वो परमानेंट नहीं रहती है, लेकिन हम उसे परमानेंट मान लेते हैं। जहां आपने परमानेंट माना, तब तक तब आप उस चीज को, जो सेल्वेशन की जो स्टेज है, जो आपके एजुकेशन के बेसिक एम्स भी हैं, अभी हम उनको भी देखेंगे, उनको हम अटेन नहीं कर सकते हैं। तो मेटाफिजिक्स डील्स विद द रियलिटी, एंड एज पर द बुद्धिस्टिक फिलोसफी वी हैव एवरीथिंग विच आर चेंजिंग, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि परमानेंट है। तो इसीलिए अगर हम इनकी रियलिटी की बात करें, तो रियलिटी मीन्स एवर चेंजिंग, इनकी रियलिटी चेंज होती रहती है। फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम कह सकते हैं कि दीज आर द रियलिटीज विच आर एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। अब ये सब रियलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि हमने अभी बात की थी, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, दिस इज द रियलिटी, और हम सबको पता है ये एक रियलिटी है। बट द फुल ऑफ मिजरीज, वी नो दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिजरीज, द वर्ल्ड इज ऑल्सो फुल ऑफ हैप्पीनेस, ये भी हमें पता है कि जो वर्ल्ड है वो पूरा हैप्पीनेस से भी भरा हुआ है। लेकिन वही चीज हमने बात की, मिजरीज एंड दीज हैप्पीनेस आर नॉट परमानेंट, दीज आर चेंजिंग, दीज आर रेगुलरली चेंजिंग। कभी आपके जीवन के अंदर आपको एकदम से खुशियां मिलेंगी, कभी आपको एकदम से दुख भी मिल जाएंगे, आपको सब चीजें मिलेंगी। इट मीन्स दैट नथिंग इज परमानेंट, बट ऑफकोर्स दीज टू टर्म्स आर एग्जिस्टिंग, राइट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज अ रियलिटी, ये हमारे सामने एक रियलिटी है। और अगर हम बात करें, डिजायर्स हैं आपकी, नीड्स हैं आपकी, विशेस हैं आपकी, तृष्णा है आपकी, ये सभी चीजें क्या हैं? ये सब चीजें रियलिटी हैं, वास्तविकता हैं, और यही सब वास्तविकताएं आपको दोबारा से रीबर्थ जो आपका होता है उसको लेने के लिए मजबूर करती हैं। अगर आपके अंदर कोई डिजायर्स नीड्स ऐसी आ जाती हैं जिनको आप अटेन नहीं कर पाते हो इस जीवन के अंदर, ऑटोमेटिकली वही आपके कर्म बनेंगे और वही आपको दोबारा से जन्म लेने पर मजबूर भी करेंगे। और इसी से डिसाइड भी होता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू विल गेन इन योर नेक्स्ट बर्थ, ठीक है। तो वही चीज आपको अपने नेक्स्ट बर्थ में देखने को मिलती भी है, ऐसा बुद्धिस्टिक फिलोसफी का मानना है। बट वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रूफ इन दैट, क्योंकि फिलोसफी में आपको बहुत से प्रूफ जल्दी से नहीं मिलते हैं। लेकिन जो ये चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं असत्य जरूर होती हैं, इनमें कहीं ना कहीं सच्चाई अवश्य होती है। आपके पास ट्रुथ है, फॉल्स है, दिस इज ऑल्सो रियलिटी। चीजें एग्जिस्ट करती हैं, नॉन एग्जिस्टिंग है, दिस इज ऑल्सो रियलिटी। एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट थिंग्स, दिस इज ऑल्सो अ रियलिटी। तो ये सब चीजें रियलिटी हैं, लेकिन उनके अनुसार सिर्फ यही बात हम दोबारा से कहेंगे कि एज पर बुद्धिस्टिक फिलोसफी वी डू नॉट हैव रियलिटी, बिकॉज द रियलिटी इज एवर चेंजिंग। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि इनके अकॉर्डिंग रियलिटी इज एवर चेंजिंग। और दूसरी चीज हम कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ क्षणिकवाद जो है वो भी मेटाफिजिक्स को रिप्रेजेंट करती है। क्षणिकवाद का मतलब ये है कि कुछ समय के लिए रहना और उसके बाद उस चीज का आपसे दूर हो जाना, फिर चेंज हो जाना, वही चीज परिवर्तनशील कहलाती है। तीसरी चीज इसके अंदर आती है एक्सियोलॉजी। इफ यू विल डिस्कस द एक्सियोलॉजी एंड द बुद्धिज्म, एक्सियोलॉजी मीन्स दैट व्हाट
काइंड ऑफ वैल्यूज वी शुड हैव फ्रॉम बुद्धिस्टिक फिलोसफी। तो अगर हम वैल्यूज की बात करें तो हम जब अष्टांग मार्ग को पढ़ेंगे, अष्टांग मार्ग जब अभी आपके पास आएगा, जब हम डिस्कस करेंगे कि अष्टांग मार्ग है क्या, अगर आप अष्टांग मार्ग के आठों चरण को या आठों स्टेप्स को बहुत अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो इट मीन्स वही आपके मूल्य हैं और आप उन्हीं सब मूल्यों को प्राप्त कर लेते हो। तो अगर उन सब मूल्यों को आप प्राप्त कर लेते हो तभी आप साल्वेशन की स्टेज पर पहुंच सकते हो। और साल्वेशन का मतलब होता है कि आपको इस जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाना, ठीक है, यानी कि एक तरीके से कहें कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाना। तो इनका जो एक अल्टीमेट एम है वो आपका एक साल्वेशन भी है। उसके अलावा अभी और भी एक तो हम एम्स की डिस्कशन इसके अंदर करेंगे, तो उसको हम अष्टांग मार्ग के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं अगर आप मिजरीज के इस साइकिल से या डेथ साइकिल के, डेथ और बर्थ के साइकिल से अपने आप को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हो तो हम साल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, इस फिलॉसफी का एक और इज्म के साथ कनेक्शन किया जाता है और वो जो कनेक्शन है उससे उस इज्म को हम निहिलिज्म भी कहते हैं। निहिलिज्म बेसिकली क्या है? वन हु रिजेक्ट्स ऑल द रिलीजियस एंड द मोरल प्रिंसिपल्स। निहिलिज्म का मानना यही है कि हम किसी भी तरह के रिलीजियस को अपने से अलग मानते हैं, किसी भी तरह के मोरल प्रिंसिपल्स को अपने तरफ से बिल्कुल अलग मानते हैं। तो अगर हम निहिलिज्म की बात करें तो उसके साथ डायरेक्टली बुद्धिज्म का लिंक है। और अगर हम निहिलिज्म की बात कर रहे हैं कि वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ रिलीजियस एज अ सुप्रीम, इट मीन दैट वी ऑल आर इक्वल। हम सभी एक जैसे हैं, एक बराबर हैं, हम में से कोई किसी भी तरह का ऐसा नहीं है जो कि एक दूसरे से अलग है। वी ऑल आर द ह्यूमन बींग्स। तो अगर ये इस फिर की बात करते हैं कि वी ऑल आर द ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर इक्वल, देन वी शुड ऑल गेट इक्वल एजुकेशन एज वेल। तो हमें सभी को एक जैसी शिक्षा भी मिलनी चाहिए, एक प्रकार का ज्ञान भी मिलना चाहिए, सभी चीजें एक जैसी भी हमें मिलनी चाहिए। तो एक उस टर्म को भी हमने थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करना था, वो हमने देखा। अब हम एक जो भी हमारे पास ये थियरीज हैं, इन थियरीज को हम थोड़ा सा एक बार ब्रीफ में और देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा समय भी नहीं है, 1 घंटे का ही टाइम है और 1 घंटे में हमें बहुत सी चीजें डिस्कस करनी है। लेकिन जितनी भी चीजें डिस्कस करेंगे इन सब में से आपके 100% कहीं ना कहीं आपको नेट में क्वेश्चंस अगर बुद्धिज्म से आता है तो वो आपको जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको क्वेश्चन ना मिले। तो इसलिए आप इन चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक सुने। और अगर कोई स्टूडेंट किसी भी प्रॉब्लम से नहीं भी सुन पाता है तो वो लेक्चर्स को बाद में यूट्यूब के ऊपर देख भी सकते हैं, आप उनको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो आपको सारी फैसिलिटीज वहां से मिल भी जाएंगी। तो आप कितनी ही बार लेक्चर को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने जो बातें की हैं वो अभी तक एपिस्टेमोलॉजी की बात की, एक्सियोलॉजी की बात की, मेटाफिजिक्स की बात की, इनके जो चार बेसिक जो आपके नोबल ट्रूथ्स हैं उनकी बात की। उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट आर द अल्टीमेट एम्स ऑफ द एजुकेशन और लाइफ एज पर बुद्धिस्टिक फिलोसफी, कि हमारे पास ऐसे कौन से अल्टीमेट एम हैं जो कि बुद्धिस्टिक फिलोसफी पर बेस्ड हैं। आप कौन कौन से हैं? पहला, जैसे कि हमने अभी आपके सामने बातें की थी, सेल्वेशन की हमने बात की थी, तो हम उसको एमेंसिपेशन भी कहते हैं। एमेंसिपेशन, साल्वेशन, लिबरेशन, इन सब चीजों को हम एक ही कैटेगरी में डालने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे पास अल्टीमेट है वो एक है आपके पास एमेंसिपेशन। एमेंसिपेशन मीन्स कि एमेंसिपेशन इज बीइंग सेट फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ समवन और समथिंग, यानी कि आपके ऊपर किसी और का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, आप किसी और के कंट्रोल में नहीं होने चाहिए, आपके ऊपर अपना स्वयं का कंट्रोल होना चाहिए। तो उस चीज को हम इमेंसिपेशन कहते हैं। आप जैसा हमने शुरू में ही बात की थी कि ये स्वयं को ही सुप्रीम मानते हैं, इनके अकॉर्डिंग जो आपके जो कर्म हैं, जो भी आप एक्शंस करते हो, कर्म करते हो, जो चीजें करते हो, उन्हीं के बेसिस पर आपकी डेस्टिनी बनती है। आप किसी के कंट्रोल में काम नहीं करते, आपका जो काम करने का जो तरीका है वो आपके पास स्वयं होना चाहिए। तो इसलिए आप अपना कंट्रोल अपने ऊपर रखने की कोशिश करें, यू शुड हैव एन इमेंसिपेशन। ये एक आपका एजुकेशन या लाइफ का एम होना चाहिए। दूसरा है लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, कि यानी कि हम जिसे निर्वाण प्राप्ति कहते हैं, साल्वेशन जिसे कहते हैं, कि आप किस तरीके से अपने आप को बर्थ एंड डेथ की साइकिल से बाहर कर सकते हो। इफ यू आर एबल टू अचीव दिस, इट मीन्स दैट द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन और द लाइफ यू हैव अटेन्ड एज पर द बुद्धिस्टिक फिलोसफी।
ठीक है, तो ये इनके अल्टीमेट एम है। अब हमने क्षणिकवाद की बात की थी। देखिए क्षणिकवाद के बारे में बहुत सिंपल सी चीज़ है, नथिंग इज परमानेंट एंड इफ वी आर कंसिडरिंग दैट द थिंग इज परमानेंट इट मीन्स दैट इट इज योर इग्नोरेंस, राइट। कि अगर आप किसी भी चीज़ को परमानेंट मानते हो तो इसका मतलब इट इज योर इग्नोरेंस, ये आपकी इग्नोरेंस है, तो आप उस इग्नोरेंस को दूर कीजिए। उसको दूर करने के लिए हमारे पास थ्योरी ऑफ प्रत्यित समुत्पद भी है। और प्रत्यित समुत्पद की थ्योरी क्या है, इसे हम डेथ बर्थ या बर्थ डेथ या रीबर्थ साइकिल भी कहते हैं। इसके अंदर हमें 12 निदान बताए गए हैं। 12 निदान क्या है कि इन 12 चीजों की वजह से ही हम डेथ और बर्थ के साइकिल से बाहर आ सकते हैं, अगर आप इनको अपने से दूर कर लें तो। अगर हम इन चीजों को अपने से अलग कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं इस चक्र से बाहर आ सकते हैं। और इस चक्र से बाहर आने के लिए आपको वो एक फोल्ड जो पाथ है उसे भी फॉलो करना होगा। तो ये जो 12 निदान हैं ये क्या हैं, तो हम इनको थ्योरी ऑफ प्रत्यित समुद्र पद में एक बार देख लेते हैं। और ये जो है इन 12 निदानों के अंदर जो सबसे पहला जो आपका पार्ट है वो है इग्नोरेंस, यानी कि जो सबसे पहली बात करते हैं वो क्या है आपके पास, इग्नोरेंस। ये पूरा साइकिल है, पूरा एक साइकिल सर्कुलर फॉर्म के अंदर आपके पास चलेगा। सर्कुलर फॉर्म का मतलब ये इग्नोरेंस से लेकर के और हमारी ओल्ड एज या डेथ तक जाएगा, और ये चीज वापस ऐसे ही दोबारा से घूमती रहेगी। ये पूरा एक साइक्लिक पाथ है। साइक्लिक पाथ का मतलब इसमें से कहीं से बाहर निकलने का रास्ता है नहीं, लेकिन फिर भी आप बाहर निकल सकते हो अगर आप इन सब चीजों को पूर्णतः अपने अंदर डालने की कोशिश करो या इन सब चीजों को समझने की कोशिश करो कि ये सब चीजें क्या हैं और किस तरीके से आप इन सब चीजों से थोड़ा सा अपने आप को अलग कर सकते हो, दूर कर सकते हो या इनको समझ सकते हो। तो सबसे पहली चीज, जैसे हमने इग्नोरेंस की बात की, इग्नोरेंस ऑफ व्हाट, किस चीज का इग्नोरेंस, ठीक है, क्या आपको अपने यहाँ से इग्नोर होना चाहिए, किस चीज को हमें इग्नोर करना चाहिए, या क्या हमारे अंदर इग्नोरेंस है। अब जैसे इग्नोरेंस की हम बात करें, हमारे पास जब दुख आते हैं तो हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास बस ये दुख परमानेंट रहेंगे, पूरे जीवन भर यही चलते रहेंगे और हम यही सोचते रहते हैं। तो हमारा जो माइंड है वो उसी दुख के ऊपर फोकस करता है। तो इफ आर माइंड इज डायरेक्टली फोकसिंग ऑन दैट ओनली वन पार्ट ऑफ आर लाइफ, तो इसका मतलब वहां आप जो सुख आने वाला है उससे भी आप वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए अपने से इग्नोरेंस को दूर कीजिए, ठीक है। इग्नोरेंस, 4 नोबल ट्रूथ्स की इग्नोरेंस है हमारे पास। हमारे पास वो 4 बातें उन्होंने बताई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट वी आर इग्नोरिंग देम, हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। और हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो जिस वजह से हम इन सब परेशानियों में फंसे फंसे भी हुए हैं। और क्या क्या चीजें इग्नोर हो सकती हैं, देर आर फाइव संखास, 5 संखास हैं हमारे पास। क्या क्या चीजें हैं, वो 5 जो संखास हैं वो क्या क्या है, उनके बारे में भी हम थोड़ा आगे देखेंगे जब हम एट फोल्ड पाथ के ऊपर चलेंगे। तो कई चीजें ऐसी हैं जो कि अभी हम पूरा डिटेल में उनको डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत सी ऐसी चीजों को इग्नोर करके चलते हैं। और इसी इग्नोरेंस को अगर आप समझ लोगे, इसी इग्नोरेंस को अपने से दूर कर दोगे, तो आप कहीं ना कहीं एक स्टेप को, सिर्फ हम एक स्टेप को, अभी 12 जो चरण है उसके सिर्फ एक स्टेप को कहीं ना कहीं पार कर पाएंगे। जैसे ही हमारी इग्नोरेंस होती है, इग्नोरेंस के बाद फिर अब हमारा पूरा एक शरीर की जो पूरी एक संरचना है वो बननी शुरू होती है। तो जो सेकंड जो आपका निदान है वो मेंटल फॉर्मेशन की तरफ जाता है। मेंटल जो फॉर्मेशंस है, मेंटल फॉर्मेशन के अंदर एक तरह से हम फॉर्मेशंस की बात करते हैं। फॉर्मेशंस की बात की जो हमारा एक मानसिक जो स्तर है या जो मानसिकता है वो किस तरह की है। और इसके अंदर जनरली हम एक चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, वो है आई और सेल्फ। कि हम कई बार इन्होंने बात की है कि आप अपने आप को महत्वपूर्ण स्थान दो, क्योंकि आपके कर्म और आपकी एग्जिस्टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब कभी व्यक्ति के अंदर एक अहम आना शुरू हो जाता है, वो सेल्फ को बहुत इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देता है और बाकियों को इग्नोर करना शुरू कर देता है, यानी कि वो ये कहे कि मैं ही अपने आप में सब कुछ हूँ, तो जब इस तरह की मेंटल फॉर्मेशंस आपके अंदर शुरू हो जाती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक परेशानी का कारण बनती हैं। तो आपको अपने अहम से बाहर आना चाहिए, मैं से बाहर आना चाहिए, सेल्फ से बाहर आना चाहिए। अगर आपको अपने मैं और सेल्फ को लेकर के आना ही है तो आप अपने आप को उस रूप में लेकर के आइए जो कि आपको अष्टांग मार्ग के थ्रू मिल सकते हैं। तीसरी बात जो उन्होंने बात की, वो जब हमारे अंदर फॉर्मेशन शुरू होती है, फॉर्मेशन मेंटल फॉर्मेशन, उसके बाद हमारी कॉन्शियसनेस स्टार्ट होती है, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसके बारे में ये बताते हैं कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, वेरियस स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं,
तो हम कई बार क्या करते हैं कि अपनी उस कॉन्शियसनेस को भी समझ नहीं पाते हैं, और उस कॉन्शियसनेस की ना समझ के कारण भी हम इस साइकिल के अंदर फंसे रह जाते हैं। तो जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसका भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो इस चीज़ का ज्ञान होना भी हमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार होता है कि हम कुछ ऐसे रॉन्ग एक्ट्स भी करते हैं, कुछ ऐसे गलत काम भी करते हैं, कॉन्शियस स्टेज के अंदर ही करते हैं, जो कि हमें नहीं करने चाहिए। तो आपकी जो कॉन्शियस स्टेट है ये भी प्रॉपरली डेवलप होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो चौथा आपका निदान है वो उसके अंदर है नेम एंड फॉर्म। नेम एंड फॉर्म को हम माइंड एंड बॉडी भी कहते हैं, कि जो आपकी माइंड एंड बॉडी की जो एक संरचना है उस की जो डेवलपमेंट होती है, तो वो भी आपकी एक प्रॉपर होनी चाहिए। फिर उसके बाद फिफ्थ है आपके पास सिक्स सेंसेस गेट्स, यानी कि जो भी आपके छह सेंसेस हैं, जनरली हम पांच सेंसेस की ही बात करते हैं, बिकॉज द सिक्स जो सेंस जो इंट्यूशन है वो रेयरली ही हम लोगों के अंदर मिलती है, और होती सभी में है लेकिन वो इतनी एक्टिव नहीं रहती जितने कि आपके पाँचों के पाँचों सेंसेस एक्टिव रहते हैं। तो जो आपके सेंसेस हैं, आईज हैं, नोज हैं, स्किन है, माइंड है, टंग है, इंट्यूशन है, इन सब से भी आपको इन सब के ऊपर एक तरह का कंट्रोल होना चाहिए, अगर हम सिंपली भी इनकी बात करें, क्योंकि जो सेंसेस हैं इन्हीं सेंसेस से ही हम अच्छा और बुरा ये दोनों तरीके की चीज़ों को ग्रहण करते हैं। लेकिन आप उनमें से अब जैसे एक छोटा सा इसमें से हम एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, कि सपोज आपका एक मन करता है कि मैं इस चीज़ को टेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, आपकी इच्छा है, लेकिन आपको वो चीज़ कभी मिल नहीं पाती, और कहीं ना कहीं आपके माइंड के अंदर वो चीज़ फिक्स हो जाती है कि भी हमें जो ये चीज़ एक सेंस करनी थी टेस्ट के थ्रू वो अब हमें नहीं मिल पाई। अगर हम उस चीज़ को वहाँ अचीव नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं, तो वही एक कारण बन जाता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो मृत्यु होगी उसके बाद आप दोबारा से बर्थ लोगे। तो जो हमारी सेंसेस हैं वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इस डेथ और बर्थ के साइकिल के अंदर। फिर उसके बाद आपका आता है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि आप किस तरीके से लोगों के साथ अपने रिलेशंस बनाते हो, ठीक है, और आप अपने जितनी भी जो हमने सेंसेस के भी ऊपर जो बात की थी, उन सेंसेस के थ्रू आप किन चीज़ों को किस प्रकार से देखते हो, आपको देखते हो, या फिर आप हम उनके कहें कि आप उन्हें सूंघते हो, या उन्हें फील करते हो, या उनके बारे में सोचते हो, तो वो सब चीज़ें हमारी कांटेक्ट के साथ आती हैं। तो हमारा कांटेक्ट किस तरीके का है वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ, तो वो भी आपका एक कारण बनता है कहीं जीवन और मृत्यु के इस साइकिल के अंदर दोबारा से आने का। फिर उसके बाद एक उन्होंने जो साथ में जो उन्होंने टर्म की बात की है वो है वेदना, जिसे हम संसेशन कहते हैं। तो संसेशन बेसिकली क्या है, इससे काइंड ऑफ फीलिंग कि आप किस तरीके का फील करते हो, कभी आप बहुत प्लेजेंट फील करते हो, कभी आप अनप्लेजेंट फील करते हो, कभी आप एकदम न्यूट्रल फील करते हो। तो जो आपकी ये फीलिंग्स हैं, ये फीलिंग्स भी एक कारण है आपके डेथ और बर्थ के साइकिल को चलाने के लिए, और हमें इन सब चीज़ों से बाहर आना है, हमें इन सब चीज़ों से निकलना है। किस तरीके से हम इन सब चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। फिर उसके बाद जो आठवीं टर्म इन्होंने जो बात की है वो तृष्णा की बात की है। तृष्णा यानी कि एक तरह से डिजायर्स जो आपकी होती हैं, नीड्स होती हैं, आपकी वॉन्ट्स हैं, आप जो जिन चीज़ों को आप चाहते हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर भी सिंपल सी चीज़ है, तृष्णा तो हम सब में ही होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें तृष्णा ना हो, ठीक है, जिसमें कुछ डिजायर्स ना हो। जैसे कि आप ये सोचते हो कि भाई मुझे जो भी सबसे एक महंगा मोबाइल फ़ोन है वो चाहिए, और पूरी ज़िंदगी निकल जाती है लेकिन एक महंगा मोबाइल फ़ोन आपको नहीं मिल पाता, या कभी आप सोचते हो कि मुझे एक इतना आलीशान अपना घर बनाना है अपने जीवन के अंदर कि मेरे पास एक इतना अच्छा घर होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिल पाती। अब ये चीज़ें क्या है, आपने कर्म किया, अब इसमें कर्म कुछ नहीं है, सिर्फ आपके माइंड ने उन चीज़ों को सोचा, आपके पास वो चीज़ रही, आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ फिक्स हो गई, यही कारण बन जाती है। अगर ये चीज़ फुलफिल नहीं हुई, अगर आपने सही तरीके से इसको सोचा, फुलफिल नहीं हुई, तो यही आपको रीबर्थ करने के लिए दोबारा से कारण बनवा देती है। और हम में से शायद ऐसा बहुत कम व्यक्ति होंगे, या हम कहें कि ऐसा कोई जीव या व्यक्ति बहुत ही कम होंगे जिसकी कोई भी तृष्णा, नीड्स, डिजायर्स ऐसा कुछ नहीं होता, हम सबके होते हैं। तो यही सब कारण बन जाता है फिर से दोबारा से रीबर्थ का, कि अब हम उनको अगले जन्म में पूरे करेंगे। जो भी हमारे कर्म हैं, जो भी हमने पिछले जन्म में किए हैं, अगर उनकी पूर्ति नहीं होती है तो वो अगले जन्म में आपके साथ
जुड़ करके चले आते हैं, और वही कर्म वही चीजें आपके नए रूप को भी निर्धारित करती हैं। जैसे अभी इन्होंने पूरा नया रूप बनने की बात की, ये एक तरह से पूरा नया रूप बनने की, जो आपका डेथ एंड बर्थ साइकिल है, ये आपका एक पूरा स्ट्रक्चर आपका बना रहा है कि किस तरीके से आपका एक स्ट्रक्चर बनती है। एक जानवर की स्ट्रक्चर बनती है, एक पक्षी की बनती है, पेड़ पौधों की बनती है, या आपके अंदर इंसान की दोबारा से स्ट्रक्चर बनती है, तो किसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये सब आपके कर्म निर्धारित करते हैं। उसके बाद नोवा जो इन्होंने निदान स्टेप जो बताया है वो है आपका अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स किस चीज से? आपके लोगों के साथ अटैचमेंट्स हो जाती हैं, और वो अटैचमेंट्स इतनी ज्यादा हो जाती हैं हमारी फैमिलीज के साथ ही हो जाती हैं। सबसे बड़ी चीज तो हम अपनी फैमिलीज के लेकर के चलते हैं कि हमारी फैमिलीज में जो भी लोग हैं हमारे पास, चाहे वो हमारे मदर हो, फादर हो, भाई हो, बहन हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, जो भी हैं, उन सबके साथ इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि हम उनको कभी छोड़ना ही नहीं चाहते। और ये सत्य है, जो आया है उसे जाना है, ठीक है, लेकिन हम इन चीजों को समझना नहीं चाहते, हम इन चीजों को जानते हुए भी इनको अपने अंदर अपनाना नहीं चाहते। ये अटैचमेंट एक बहुत बड़ा कारण है, इग्नोरेंस और ये सब चीजें तो हैं ही है कारण, अटैचमेंट भी एक कारण है कि वो भी हमें दोबारा से रिबर्थ के लिए लेकर के आ जाता है। तो अटैचमेंट आपकी किसके साथ? आपके लोगों के साथ हो सकती है, लाइफ के साथ भी हो सकती है, चीजों के साथ भी हो सकती है, किसी भी चीज के साथ हो सकती है। उसके बाद 10वीं जो इन्होंने निदान की बात की है, जो 12 में से जो अगला जो टर्म है वो है बिकमिंग, यानी कि आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है, आपके भाव क्या हैं, और इसमें आपके एक्शंस, आपके जो भी आप कर्म करते हो उन सब के ऊपर इसका मेन फोकस है कि आपकी कुछ डिजायर्स होती हैं, कुछ नीड्स होती हैं, कुछ आपने बनना है, और हर किसी के पीछे एक बनने की कुछ ना कुछ लालसा जरूर होती है, और एक सपना जरूर होता है कि हम कहें कि भाई हमें ये चीज़ अटेन करनी है, ये बनना है। तो जो बिकमिंग वाला जो फैक्टर है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यही जो अब हमने इग्नोरेंस से लेकर के और बिकमिंग के बीच के जितनी चीज़ें देखी हैं, यही सब चीज़ें आपकी बर्थ और डेथ और रीबर्थ को डिसाइड करती हैं। क्योंकि इसके बाद, बिकमिंग के बाद फिर आपका बर्थ होता है, बर्थ के बाद फिर आपकी वही एजिंग, डिके या डेथ जो भी चीज आती है वो आती है, और फिर वही डेथ के बाद दोबारा से आप फिर वापस वही इग्नोरेंस, फिर फॉर्मेशन, फिर कॉन्शियसनेस, फिर माइंड एंड बॉडी, फिर सिक्स सेंसेस, फिर कॉन्टैक्ट, फिर फीलिंग्स, फिर क्रेविंग, फिर क्लिंगिंग, फिर बिकमिंग, फिर बर्थ, फिर रीबर्थ। ये पूरी प्रक्रिया एग्जैक्टली ऐसे ही चलती रहती है, और इस साइकिल से बाहर निकलना इज नॉट सो इजी, लेकिन फिर भी उन्होंने तरीका बताया है कि वी कैन गेट आउट ऑफ इट, हम इससे बाहर निकल सकते हैं, और इससे बाहर जो निकलने का जो तरीका है वो हमारे पास सिर्फ एक ही है, और उसे हम कहते हैं मिडल कोर्स, यानी कि अष्टांग मार्ग। हम अष्टांग मार्ग को फॉलो करके इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अष्टांग मार्ग को भी फॉलो करना इतना आसान काम नहीं है। और जो इसके इन्होंने 8 जो मेजर आपको चीजें बताई हैं वो क्या क्या हैं, और इन अष्टांग मार्ग को अगर आप फॉलो करते हो देन यू कैन अटेन द सेल्वेशन, और वी कैन से दैट वी कैन अटेन द डिफरेंट अल्टीमेट एम्स ऑफ आर लाइफ और द एजुकेशन, ठीक है, हम शिक्षा के या अपने जीवन के जो अल्टीमेट एम्स हैं जिनकी हमने अभी बात की थी उनको हम अचीव कर सकते हैं, और वो सभी कहीं ना कहीं एक सेल्वेशन की तरफ जाते हैं। ठीक, तो जो ये अब 8 आपके पाथ हैं, जो आपके 8 इन्होंने रास्ते दिखाए हैं, ये हैं क्या? इसे हम एट फोल्ड पाथ, अष्टांग मार्ग या मिडल कोर्स कुछ भी कह सकते हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर हम इन चीजों को फॉलो करते हैं देन वी कैन अटेन द सेल्वेशन। फर्स्ट इज द राइट इनसाइट, कि जो हमारी इनसाइट है यानी कि सम्यक दृष्टि हम जिसे कहें, वो हमारी सही होनी चाहिए। सम्यक दृष्टि नाम से ही पता है, अब इन सभी के साथ देखो वर्ड राइट लगा होगा, जिसको भी करोगे आप राइट ही करोगे, गलत नहीं करोगे, ठीक है, आपको गलत की तरफ ये नहीं लेकर के जाते हैं। अगर इन चीजों को आप सही रूप में ही लेकर के चलोगे तभी ये चीजें आपके साथ सही रूप से आपकी लाइफ में चल सकती हैं। तो ये राइट इनसाइट है क्या? इसका मतलब है टू रिमेंबर द 4 आर्य ट्रुथ्स आर इसेंशियल फॉर द सॉल्वेशन। आपको सिर्फ ये चीज हमेशा याद रखनी है, यही आपकी इनसाइट है और कुछ नहीं है। आपको ये चीज, ये 4 आर्य सत्य कहलाते हैं, और इन आर्य सत्यों को आपको हमेशा याद रखना है कि दीज आर द 4 नोबल ट्रुथ्स ऑफ द लाइफ, और हमें ये हमेशा याद होने चाहिए, यही आपकी राइट इनसाइट है और कुछ नहीं है।
सिंपल चीजों में, और अगर हम अपनी साधारण भाषा में कहें कि आप अपनी दृष्टि को इतना सही रखिए कि आप उसमें से जिस चीज को भी देखें वो चीज आपको सुंदर प्रतीत हो, ठीक है? जब आपको वो चीज सुंदर प्रतीत होनी शुरू हो जाएगी तो आपकी इनसाइट ऑटोमेटिकली राइट हो जाएगी, और कोई भी वस्तु या कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति आपको सुंदर तभी दिखाई दे सकता है जब आपकी इनसाइट राइट होगी, ठीक है? तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। सेकंड जो इन्होंने पाथ दिया है वो है आपके पास द राइट विल पावर, कि आपका जो संकल्प है दैट शुड बी स्ट्रांग, वो सम्यक होना चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए। सम्यक संकल्प का मतलब आपकी डिटर्मिनेशन शुड बी स्ट्रांग। जैसे आपने मूवी नहीं देखी, कौन सी वो थी, शायद वांटेड मूवी थी, है ना? वांटेड मूवी में वो ये कहते थे ना सलमान खान जी कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर लिया तो मैं फिर खुद की भी नहीं सुनता। तो वही है राइट विल पावर, कि आपने जिस सही के बारे में सोच लिया है। चीज याद रखना, नेगेटिव चीजों की बात नहीं कर रहे हैं ये, हमेशा पॉजिटिविटी की बात करेंगे। एजुकेशन ऑलवेज टॉक्स अबाउट पॉजिटिविटी, और जितनी भी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं तो ये सभी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर हम विल पावर अपनी स्ट्रांग रखेंगे, ठीक है, अगर हमारी विल पावर राइट है, सही है, तो हम इस सेकेंड पाथ को अचीव कर सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड्स भी आपके हो सकते हैं। तो इसके अंदर हम सिंपली कहें टू ऑब्जर्व द फोर नोबल ट्रुथ्स, जो आपके चार नोबल ट्रुथ्स हैं। पहले में तो आपने देखा था कि उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको उनका ज्ञान होना चाहिए, यू शुड रिमेंबर दीज। दूसरे में कहते हैं टू ऑब्जर्व द फोर नोबल ट्रुथ्स, आपको ये ऑब्जर्व करने हैं, और ऑब्जर्वेशन इज नॉट एन ईजी टास्क, ऑब्जर्वेशन इतना आसान काम नहीं होता। इनको याद करना आसान है, ये चार जो आपने नोबल ट्रुथ्स देखे सुने अभी, इनको आप याद जरूर कर सकते हो, यू कैन ईजिली रिमेंबर, बट टू ऑब्जर्व दीज फोर नोबल ट्रुथ्स इज नॉट एन ईजी टास्क, बिकॉज ऑब्जर्वेशन प्रोसेस इज इन इट सेल्फ इज वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो आपको इन चारों को पूरी तरह से ऑब्जर्व करना है और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है। देन वी हैव थर्ड पाथ। थर्ड पाथ इज राइट स्पीच। राइट स्पीच, सम्यक वाक, आप जो भी बोलते हो सोच समझ करके बोलना चाहिए। जो भी आप अपने शब्दों को किसी के लिए भी प्रस्तुत करना चाहते हो तो आपके शब्दों के ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि आप कभी भी कुछ भी बोल रहे हो। आप जब गलत बोलोगे तो वही चीज कहीं ना कहीं आप कि उस दोबारा से आपको उस साइकिल के अंदर, डेथ और बर्थ का जो साइकिल है, वापस उसमें ले जाएगी। तो इसलिए आपको कोशिश यही करनी है कि आपका जो स्पीच है दैट शुड बी कंट्रोल्ड, आपका सेल्फ कंट्रोल उसके ऊपर होना चाहिए। आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि यू शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, लेकिन कई बार फॉल्स भी ट्रुथ होता है, क्योंकि कई बार कुछ झूठ ऐसे भी होते हैं जो कि एक सच से भी बहुत बड़े होते हैं। कुछ झूठ कुछ लोगों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आप अगर फॉल्स भी किसी सिचुएशन में बोलते हो लेकिन उससे किसी भी व्यक्ति का फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता, उससे लाभ ही होता है, तो वो भी एक ट्रुथ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू स्पीक ट्रुथ, सेल्फ कंट्रोल, ये चीज आपको बताई है। उसके बाद जो भी आप वर्ड्स जितने भी बोल रहे हो उन सब के ऊपर आपका पूरा एक विश्वास होना चाहिए, आपका पूरा फेथ होना चाहिए कि इन शब्दों से किसी भी व्यक्ति की किसी भी तरह की भावनाओं को कोई भी ठेस नहीं पहुंचेगी। तो ये सब चीजें आपको अपने अंदर लेकर के आनी है। लेकिन हम खुद सोचें, हमने क्या अपनी लाइफ के अंदर कभी आज तक सम्यक वाक की बात की है? हम यहाँ, हो सकता है हजारों लोग कनेक्टेड हों, सुन रहे हों इस लेक्चर को, हम में से कोई एक दो चलो मान लिया निकल जाए, हो सकता है रेयरली कोई ऐसा हो, लेकिन क्या कभी हमने इस तरह के पाथ्स को फॉलो करने की कोशिश की है? कभी ऐसा करने की कोशिश की है? नहीं कर पाते हैं। बहुत मुश्किल है, इजी नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम इनको ना कर सकें। देन वी हैव द फोर्थ पाथ। फोर्थ पाथ इज द राइट डीड्स। आप जो भी अपने कर्म करते हो, जो भी अपने एक्शंस करते हो, चाहे किसी भी तरह की क्रिया करते हो, वो आपकी राइट होनी चाहिए। हमने ऊपर कहीं पर एक इग्नोरेंस की बात की थी, उसके अंदर हमने पांच कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि हमने डिस्कस लास्ट में करने थे। तो उसमें से इग्नोरेंस के अंदर इन सब चीजों को हम ले सकते हैं। आपके जो एक्शंस होने चाहिए वायलेंस फ्री होने चाहिए, पहली चीज ये है इन्होंने बताई है। वायलेंस आप से दूर होना चाहिए, कभी भी अपने पर क्रोध को, वायलेंस को हावी ना होने दें। कभी भी आपके अंदर स्टीलिंग की प्रवृत्ति ना हो। स्टीलिंग का मतलब ये नहीं कि किसी का कुछ चुरा ही लिया, किसी भी तरीके से हम स्टीलिंग कर सकते हैं, ठीक है? वो जाए डायरेक्ट हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है। स्टीलिंग का मतलब किसी की भावनाओं को भी चुराना एक स्टीलिंग कहलाता है, या हम किसी की प्रोग्रेस को भी अगर खींच करके उस व्यक्ति को पीछे कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो स्टीलिंग।
तो हमें वो चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। कोई भी सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए, कभी भी इस तरह की गॉसिप्स नहीं होनी चाहिए जो कि यूजलेस हो, और कभी भी हमें इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस का इन्हेलेशन नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ भी ड्रिंकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं या स्मोकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये कहते हैं कि आपके राइट डेट्स अभी हो सकते हैं व्हेन यू आर अवे फ्रॉम दीज थिंग्स। आप जब इन चीज़ों से दूर हो तभी आपके राइट डीड्स हो सकते हैं। अगर आप इन चीजों में लिप्त हो, इनमें इन्वॉल्व हो, देन योर डीड्स आर नॉट राइट और सम्यक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। देन वी हैव द फिफ्थ पाथ, दैट इज द राइट वोकेशन, या हम कह सकते हैं कि जो आपकी आजीविका है, लिवलीहुड है, वो आपकी सही होनी चाहिए। आप जो कमाते हो वो उसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसमें ईमानदारी होनी चाहिए, आपका उसके प्रति डेडिकेशन होना चाहिए। आप जिस भी काम में हो, चाहे किसी भी तरह का काम हो, ये किसी काम को छोटा बड़ा नहीं कहते हैं, ऑल द जॉब्स आर इक्वल। ठीक है, वो हर व्यक्ति को, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हर एक व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ही अपना नया जन्म लेता है, इट मीन्स दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये उनकी भी बात कर रहे हैं। साइकोलॉजी भी डायरेक्ट इसके अंदर आपकी यहाँ पर आ रही है। और जब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते हैं, हम अपने कर्मों की भी बात करते हैं, तो इसका मतलब ही यही है कि हमारे जो भी काम होंगे, जो हमें वोकेशन मिला है या लिवलीहुड मिली है, वो भी हमारे कर्मों पर आधारित है। सब कुछ आपके एक्शंस पर आधारित है। तो आपकी आजीविका ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी को ठेस कुछ ना पहुंचे, उसमें ऑनेस्टी हो, आपका डेडिकेशन अपने आपके काम के प्रति सम्यक होना चाहिए। देन वी हैव द नेक्स्ट पाथ, दैट इज द राइट एक्सरसाइज। राइट एक्सरसाइज का मतलब यही है कि आपको अपने शरीर को अपने आप को स्वस्थ भी रखना है, तो यू शुड एडॉप्ट सम गुड वेज। आपको कुछ ऐसे तरीके अपनाने चाहिए और अपने आप को बैड आइडिया से दूर रखना चाहिए। ठीक है, आपको कुछ भी जो गलत विचार होते हैं उनसे दूर रखना चाहिए। अपनी एक्सरसाइज का मतलब यही नहीं होता कि आप योग करो या फिर आप जिम जाओ, ये सब चीजें करो। एक्सरसाइज का मतलब इट्स ए काइंड ऑफ हैबिट्स, ये कुछ आदतें हैं जो कि आपके अंदर होनी चाहिए। वो एक्सरसाइज से रिलेटेड भी हो सकती है, योग मेडिटेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, लेकिन आपने अपने आप को नेगेटिव आइडिया से दूर रखना है, बैड आइडिया से दूर रखना है। देन वी हैव द सेवेंथ पाथ, दैट इज द राइट मेमोरी, कि आपकी सम्यक स्मृति होनी चाहिए। ठीक है, राइट मेमोरी का मतलब कि टू रिमेंबर द नोन थिंग्स प्रॉपरली, जो भी आपको चीजें पता है उन सब चीजों को आपको अच्छे से रिमेंबर रखना चाहिए, अगर आप किसी चीज को भूल भी जाते हो। ठीक है, तो ये चीज एक बहुत बड़ी चीज है कि इफ वी फॉरगेट्स देन वी ट्राई टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द वर्ल्डली वर्ल्डली प्लेजर्स अगेन। तो अगर जो हमारे वर्ल्डली प्लेजर्स का मतलब कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि हमसे हम कह सकते हैं जो इस मेटरलिस्टिक वर्ल्ड में हमें खुशियां देती हैं, लेकिन वो वास्तविक तौर पर खुशी नहीं है, लेकिन हम अपनी खुशी को सिर्फ वहीं पर देखने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें अच्छा फोन चाहिए, हमें अच्छा लैपटॉप चाहिए, हमें अच्छा घर चाहिए, इन सब चीजों में कुछ नहीं है। ये सब चीजें आपके साथ ना रहने वाली हैं, ना आप इनके साथ रहने वाले हो, क्योंकि सबने एक दिन चले जाना है। सबकी इच्छाएं जरूर ऐसी होती हैं और इच्छाओं को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बिकॉज वी ऑल आर इंडिविजुअली डिफरेंट। हम सबका सोचने का तरीका अलग है, करने का काम करने का तरीका अलग है, और हम करते भी उसी के अनुसार हैं, बिकॉज वी ऑल आर इंडिविजुअली डिफरेंट। लेकिन अगर आप चीजों को प्रॉपरली याद रखते हो, प्रॉपरली याद का मतलब जो भी आपने ऊपर के जितने भी स्टेप्स देखे हैं, आपने उनके सभी चीजों को अच्छे से अपने माइंड में बिठाया हुआ है, अगर आप उनको नहीं भूलते हो। हमने 12 अलग अलग उन सब बातों की बात की थी जो कि कहीं ना कहीं हमें डेथ और बर्थ के साइकिल में फंसा देते हैं, तो अगर हम उन सब से भी बाहर आ जाते हैं, उन सब चीजों को आप प्रॉपरली याद रखते हो, ऊपर वाले सभी स्टेप्स को याद रखते हो, तो आपका ये स्टेप्स ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाता है। लेकिन अगर आप भूल जाते हो तो फिर से आप उसी इग्नोरेंस में अपने आप को ले जाओगे। तो इसलिए हमें कोशिश यही करनी है कि हम उनसे अपने आप को दूर रखें और सही चीजों को हमेशा याद रखें। तो आपकी स्मृति सम्यक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। एंड द लास्ट पाथ इज द राइट मेडिटेशन। राइट मेडिटेशन जो है वो सम्यक समाधि है, और ये कहते हैं कि अगर आपने ऊपर के सातों चरणों को सही से पार कर लिया, आप उन्हीं सभी सातों चरणों को अच्छे से आप काम कर लेते हैं, उन सभी को अपनी लाइफ के अंदर अच्छे से धारण आपने कर लिया है, तो
तो इस आठवें चरण को आप बहुत सरलता से पा सकते हैं, वरना ये चरण सबसे मुश्किल कहा जाता है, बिकॉज एट दिस स्टेज योर कंसंट्रेशन पावर शुड बी स्ट्रांग एनफ, देन ओनली यू कैन अटेन द मेडिटेशन, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अटेन द मेडिटेशन, राइट? तो इसलिए आपको सल्वेशन को अगर प्राप्त करना है तो राइट मेडिटेशन होनी चाहिए। राइट मेडिटेशन तभी हो सकती है जब आपके ऊपर के सातों चरणों पर आपकी कंसंट्रेशन, आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रोंग होगी। तो ये इन्होंने अष्टांग मार्ग के अंदर बात की, जो कि आपके लास्ट के जो दो नोबल आपके ट्रुथ्स हैं उनको फुलफिल करती हैं। तो ये सब कुछ इन्होंने अपने इस आ, 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 पूरे के पूरे फिलॉसफी के अंदर बताने का प्रयास किया है। और इसके अलावा मैं छोटी छोटी चीजें और थोड़ी सी आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वो बहुत ज्यादा आपके बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताना मैं जरूर चाहूंगा। एक इन्होंने तीन पिटाकास की बात की है। पिटाका मतलब एक तरह के हम कह सकते हैं बॉक्सेस जो होते हैं, थ्री पिटक जो कहलाते हैं। तो इनकी इन्होंने तीन पिटक भी हमें दिए हैं, एक आपका विनय पिटक दिया है, और एक आपका सत्य पिटक दिया है, और एक आपका अभिधम्म पिटक दिया है। तो इन तीन पिटक के बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार इनसे रिलेटेड भी आपके नेट में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जो आपका विनय पिटक है, तो इसके अंदर मतलब ये इस तरह का बॉक्स है या इस तरह की बुक फॉर्म है कि जिसके अंदर उन्होंने कुछ कंडक्ट्स और डिसिप्लिन्स के बारे में बताया है कि जो आपके मॉन्क्स और नंस हैं उनकी लाइफ के अंदर उनको किस तरह के कंडक्ट्स और डिसिप्लिन्स को फॉलो करना चाहिए, ये इन्होंने विनय पिटक के अंदर बताया है। फिर एक है उनका सत्य पिटक, जिसके अंदर वो अपनी मेन टीचिंग्स के बारे में बताते हैं, यानी कि बुद्धिज्म जो है उनकी मेन टीचिंग्स क्या हैं। तो इसके अंदर उनके पांच मेजर कलेक्शंस हैं, पांच मेजर जो कलेक्शंस हैं वो है दिग निकाया और मझिमा निकाय और आपके सम्यक निकाय और एक आपके हैं अंगुत्र निकाय और एक है आपके कुदका निकाय। तो ये इन्होंने कुछ आपको डिफरेंट प्रीचिंग्स और टीचिंग के तीन पिटक बताए हैं, यानी एक तरह से पिटारा है जो कि खजाना जिसे कहते हैं, ठीक है, पिटारा पिटक जो आपके खजाने की तरह काम होते हैं। तो दीज आर इन द फॉर्म ऑफ बुक्स बेसिकली। लेकिन आपको एक चीज मैं और बता दूं, बुद्धिज्म के अंदर जैसे कि आपको पता है जो सिद्धार्थ जी जो थे, जिनको लास्ट बाद में लॉर्ड बुद्धा की संज्ञा मिली थी, तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई बुक नहीं लिखी या किसी चीज के बारे में उन्होंने लिखा नहीं है। उनके जो डिसिपल्स थे, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने ही ये काम किया है। और जनरली जो ज्यादातर जो काम है वो उनके पुत्र और उनकी पत्नी के द्वारा किया गया था। तो उन्होंने उनकी प्रीचिंग्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लेख लिखे थे, जो कि सभी संस्कृत में, पाली में, इन सब लैंग्वेजेस में लिखे गए थे। तो जो तीसरा जो आपका पिटक है वो है अभिधम्म पिटक, और इसके अंदर इन्होंने फिलोसॉफिकल एनालिसिस और कुछ सिस्टमेटाइजेशन ऑफ द टीचिंग एंड द स्कॉलरली एक्टिविटीज ऑफ द मॉन्क्स, की जो भी आपके मॉन्क्स हैं वहां पर उन सब की कुछ स्कॉलरली एक्टिविटीज, उन सब के बारे में बताया है, कुछ फिलोसॉफिकल एनालिसिस के बारे में बताया है। तो ये सब चीजें भी बताई हैं। इसके अलावा मैं दो तीन चीजें और आपको बताना चाहूंगा जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार पूछ भी ली जाती हैं। ये सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा कहीं ना कहीं पूछे भी जाते हैं। अगर हम बुद्धिज्म और स्टूडेंट्स की बात करें, बुद्धिज्म और स्टूडेंट्स कैसे होने चाहिए, तो जैसा कि आपको बताया है कि बालकों का जो वर्तमान जो स्वरूप होता है वो उनके उन सब संस्कारों पर ही या उन सब कर्मों पर ही आधारित होता है जो उन्होंने अपने पूर्व जन्म में किए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी पूर्ण नहीं हो पाती और हमें दोबारा जन्म लेना ही पड़ता है। तो इसलिए जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी इंडिविजुअली डिफरेंट मिलेंगे, क्योंकि सबकी इच्छाएं, सबके कर्म और ये सब चीजें सबकी अलग-अलग होती हैं। तो इसलिए जो हमारी टीचिंग है या जो हम शिक्षा भी देते हैं वो बच्चों के उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग हमें देनी चाहिए। और टीचर्स के बारे में भी बात करते हैं, ये बुद्धिज्म ये कहते हैं कि जो टीचर्स हैं उन टीचर्स को जो भी हमारे फोर नोबल कॉजेस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। और ये जो भी बच्चों को अनुशासन सिखाना है या जो भी बातें बतानी है या जिस तरह की टीचिंग उनके साथ करनी चाहिए, उनके लिए इन टीचर्स को उन चार आर्य सत्यों की समझ का होना बहुत आवश्यक है। करिकुलम की भी ये कुछ बात करते हैं। करिकुलम में ये कहते हैं कि हमें जो भी अष्टांग मार्ग से रिलेटेड जो उन्होंने स्टेप्स बताए हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, वो हमारे करिकुलम में होने चाहिए। बौद्ध दर्शन से रिलेटेड साहित्य भी हमारे करिकुलम के अंदर होना चाहिए। उनके जीवन चरित्र से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें हमारे करिकुलम के अंदर डाली जानी चाहिए। टीचिंग मेथड्स की भी ये कुछ बात करते हैं। टीचिंग मेथड्स के अंदर इन्होंने व्याख्यान मेथड की बात की है बाद में, और बाकी ये भी कहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना चाहिए और उसके बाद ही हमें उनको टीचिंग करवानी चाहिए।
और डिस्कशन प्लेटफॉर्म भी एक उन्होंने टीचिंग के लिए रखा है, तो वो चीज़ भी हमारे पास होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि बेसिक हैं और हम इनको भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो हमने आज जो बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा, बुद्धिज़्म के बारे में जानने की कोशिश की इस 1 घंटे के व्याख्यान में, उसके अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जितनी भी सूचनाएं दी गई हैं आप लेक्चर को दोबारा से फिर भी सुन सकते हैं। आपको यूट्यूब वगैरह पर भी या फेसबुक पर ये लेक्चर दोबारा से मिल जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आप पढ़ने का, समझने का प्रयास करें और आशा करता हूँ कि आपको जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। और फिर भी अगर किसी के कोई डाउट होंगे, कुछ चीज़ें ऐसी जो परेशानी वाली होती हैं जो उनको उनसे रिलेटेड बच्चे पूछ सकते हैं, तो आप जो मेरा एक ईमेल आईडी मैं आपको और कांटेक्ट नंबर लिख देता हूँ यहाँ चैट बॉक्स में, तो आप कभी उस पर भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं जो अपना मोबाइल नंबर है उसको लिख रहा हूँ, अगर आप लोगों की कोई परेशानी हो इन फ्यूचर, कुछ और आप पूछना चाहते हो तो आप इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और अगर आपने कुछ ईमेल के जरिए पूछना है तो मैं आपको अपना ईमेल आईडी भी दे देता हूँ, ताकि आप लोगों की जो भी कुछ समस्याएं हो हम उनको डील कर सकें। तो ये मेरा ईमेल आईडी भी है और आपको मोबाइल नंबर भी दे दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपका सबका दिन बहुत अच्छा रहा होगा और आगे भी आप इसी तरह के लेक्चर्स और सुनते रहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।